और मेरी गारंटी है हर घोटाले बाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। स्मृति ईरानी ने सोचा भी नहीं था कि वो सुधीर चौधरी को जेल की याद दिलाएंगी तो उनके साथ ऐसा हो जाएगा। स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी को कैसे लाइव प्रोग्राम में बेइज्जत किया ये तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, लेकिन इसके बाद कैसे स्मृति ईरानी की शामत आ गई इस खबर में आगे वो बताती हूँ। कहा तो ये तक जा रहा है कि कथित तौर पर ये मामला अब मोदी जी की अदालत में पहुंच चुका है, तो क्या हुआ है इस मामले में आपको आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि स्मृति ईरानी के मंत्रालय का इतना बड़ा घोटाला सामने आ गया है कि सभी के होश उड़ गए हैं। तो क्या घोटाला हुआ है, इस पर स्मृति ईरानी का क्या रिएक्शन है, सब कुछ आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्मृति ईरानी के पास दो मंत्रालय है, एक महिला बाल विकास मंत्रालय और दूसरा अल्पसंख्यक मंत्रालय। और ये जो दूसरा मंत्रालय है उसी के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है। तो पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताती हूँ। खबर देखिए, आज तक की खबर है, लिखा है अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कॉलरशिप स्कीम में घोटाला आया सामने, मंत्री स्मृति ईरानी ने CBI को सौंपी जांच। आगे देखिए पूरी खबर है, भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा हुआ है। कई राज्यों में बनाए गए फर्जी लाभार्थी, फर्जी संस्थान और फर्जी नामों से बैंक खाते सामने आए हैं। मामला कथित तौर पर अल्पसंख्यक संस्थानों, राज्य प्रशासन और बैंकों में संस्थागत भ्रष्टाचार का है। यानी कि जो मामला है ये कथित तौर पर कई सारे संस्थानों का है, बैंकों का मामला है और स्कूलों का मामला है। इसके आगे देखिए लिखा हुआ है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिए CBI जांच की बात उन्होंने कही है। आगे लिखा है कि इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक मदरसों सहित 1572 अल्पसंख्यक संस्थानों की जांच में से 830 फर्जी नॉन ऑपरेशनल पाए गए हैं, जिनमें 144 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यानी कि 1572 जो है वो अल्पसंख्यक संस्थानों की जांच की गई, जिनमें से 830 जो है वो फर्जी पाए गए हैं, जो चल ही नहीं रहे थे, अभी तक ऑपरेटिव ही नहीं थे, ऑपरेशन ही नहीं थे, लेकिन उनका जो है उनसे पैसा वसूल किया जा रहा था, उस पे इतना ज्यादा बड़ा घोटाला हुआ है, 144 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 10 जुलाई को CBI में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। 34 राज्यों के 100 जिलों में मंत्रालय ने आंतरिक जांच कराई है। 21 राज्यों के 1572 संस्थानों में 830 संस्थान फर्जी पाए गए हैं और लगभग 53% फर्जी अभ्यर्थी मिले हैं। यानी कि जो 34 राज्यों के 100 जिलों में ये जांच कराई गई और उसमें 21 राज्यों के 1572 संस्थानों में से 830 संस्थान फर्जी पाए गए हैं और लगभग 53% फर्जी अभ्यर्थी मिले हैं। अब इसके आगे लिखा है कि पिछले सिर्फ 5 साल में मात्र 830 संस्थान में ही 144.83 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। हालांकि बाकी संस्थानों की भी जांच जारी है। अब तक जांचे गए मामलों में फर्जी लाभार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति के वास्तविक लाभार्थियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने और खजाने को 144 करोड़ रुपए के नुकसान की जांच के लिए मामला CBI को सौंप दिया गया है। तो ये घोटाला हुआ है स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय में, अल्पसंख्यक मंत्रालय में 144 करोड़ का घोटाला है। लेकिन खबर में एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि स्मृति ईरानी ही CBI को जांच सौंप रही है। 10 जुलाई को उन्होंने शिकायत की और CBI को, और लेकिन गजब ये है कि पहले तो इतने साल तक ये सब होता रहा और इन्हें पता कैसे नहीं चला, और क्या इस बात का डर था कि इस मामले का भंडाफोड़ कोई और ना कर दे, इसीलिए खुद ही जाकर जांच CBI को सौंप दी। और CBI पर कितना भरोसा है ये तो आप जानते ही हैं, या फिर किसी राजनीति के तहत ये सब किया गया है ये तो आप स्मृति मैडम ही बता सकती हैं कि इसका राज क्या है, क्यों खुद ही इसका पर्दाफाश किया गया, क्यों खुद ही वो CBI के पास पहुंच गई और इतना बड़ा घोटाला हो गया। खैर, अब देखिए कल ही इतना बड़ा घोटाले का खुलासा हुआ और कल ही आज तक के प्रोग्राम में स्मृति मैडम आई भी, लेकिन आज तक ने BJP की तरफ अपनी भक्ति को जारी रखते हुए एक बार भी मैडम से सवाल नहीं किया कि आपके मंत्रालय में इतना बड़ा घोटाला
कैसे हो गया और 5 साल तक होता रहा और आपको पता भी नहीं चला। हालांकि सुधीर चौधरी के महज टमाटर पर सवाल करने पर ही मंत्री जी इतना बौखला उठी कि उन्हें जेल की याद तक दिला दी। अच्छा हुआ घोटाले पर सवाल नहीं पूछा, वरना तो मंत्री जी सीधे जेल ही भिजवा देती। खैर स्मृति ईरानी का ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों की तरह तरह की रिएक्शन सामने आने लगी, तरह तरह की कमेंट्स आने लगे। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने जो लिखा है वो जरा सोचने वाली बात है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मामला अब मोदी जी की अदालत में है, विश्लेषण हो रहा है कि क्या सवाल गलत पूछा गया था या जवाब गलत था, जांच जारी है। जानकार बता रहे हैं कि फैसला उसी के पक्ष में होगा जो सरकार के लिए ज्यादा उपयोगी है। हालांकि ये तो कटाक्ष है कि अब जो फैसला उसी के पक्ष में होगा जो सरकार के लिए ज्यादा उपयोगी है, लेकिन मामले को और जोर तब मिल गया जब कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ये ट्वीट किया कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि एक तथाकथित पत्रकार का जमीर जिसको उसने बेच खाया है एकदम से जाग गया है, या एक महिला मंत्री बड़ी धाकड़ है, तो असलियत समझिए ये उन दोनों के बीच की लड़ाई नहीं है, इसकी जड़ अमित शाह है। एक तरफ शाह का गुर्गा, दूसरी तरफ शाह से नफरत करने वाली मंत्राणी। ये एक तरफ शाह से अपनी गुलामी को साबित करने की मजबूरी है, तो दूसरी तरफ शाह को परोक्ष रूप से नीचा दिखाने की तमन्ना है, और उसके ऊपर सिर चढ़ा सत्ता का अहंकार तो बस तड़का है। ना किसी की आत्मा जागी है और ना कोई निडर है। निडर होती तो महिलाओं के लिए, मणिपुर के लिए, देश की खिलाड़ियों के लिए बोलती। फिलहाल मुफ्त में हो रहे मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। तो सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि ये लड़ाई अमित शाह और मंत्री जी की है, तो वहीं दीपक शर्मा कह रहे हैं कि ये मामला अब मोदी जी की अदालत में है। खैर अब क्या सच है क्या नहीं ये तो वही बता सकती हैं, मंत्री जी ही बता सकती हैं। अब ट्विटर पर तो इस तरह की बयानबाजियां चली रही हैं। खैर बात अगर घोटाले की करें तो मोदी जी बड़े जोर शोर से बोलते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन उन्हीं के सरकार में एक के बाद एक लगातार घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 घोटाले सीएजी ने उजागर किए हैं, और अब स्मृति ईरानी के मंत्रालय में 144 करोड़ का घोटाला हो गया है। अभी फिलहाल स्मृति ईरानी की बात करें तो उनके दिन ही वैसे ही ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई, फिर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का आमना सामना संसद में हो गया, फ्लाइंग किस की बात उठ गई। अब उसके बाद खबरें जो है आ रही हैं कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, और उसके बाद ही तमाम पोल कराए गए उसमें स्मृति ईरानी जी हार गई। इसके बाद अगर बात करें सवालों की तो एक सवाल जैसे कि स्मृति ईरानी से एक इंस्टाग्राम यूजर ने पूछ लिया था कि क्या आपने अपने सहेली के पति से शादी की है, इस तरह की कई सारी बातें तब से होने लगी हैं। क्या होगा, क्या ये घोटाले का पर्दाफाश होगा, उन्होंने खुद पर्दाफाश कैसे किया है और सीबीआई के पास जांच गई है तो क्या कुछ होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।